अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ चने की दाल चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम बनाएंगे हलीम स्टाइल में। जिसके लिए आपको चीज़ें चाहिए: 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 7 to 8 गार्लिक क्लोव्स, 100 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया, 1.5 कप मेरे पास है चने की दाल जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए सोक किया, ग्राम्स में होगी ये 100 to 150 ग्राम। मसालों में हमें चाहिए सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और ऑयल हमें चाहिए 1/4 कप या एज रिक्वायर्ड। सबसे पहले मैं डालूंगी ऑयल, इसमें मैं डालूंगी चिकन, और चिकन को मैं नमक डालकर फ्राई कर लूंगी। चिकन को मैं करूंगी 4 से 5 मिनट फ्राई। उसके बाद मैं इसमें मसाले, प्याज, लहसुन और दाल डाल के इसको प्रेशर कुकर में कुक करूंगी। चिकन को मैंने कर दिया फ्राई, अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, लहसुन, चने की दाल, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इसमें मैं डाल देती हूँ 2 ग्लास पानी, और अब ये दाल और चिकन को मैं प्रेशर कुकर में कुक करने के लिए रखूंगी 10 मिनट के लिए। मेरे पास 1 टमाटर है और 1.5 टेबलस्पून ये होगा जिंजर। इन दोनों चीज़ों को कर लूंगी मैं ब्लेंड, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको हाथ से चॉप करें या फिर आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, तो मैं इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। जो दाल है वो हमारी कुक हो गई है प्रेशर कुकर में, अब मैं दाल को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। ये देखें दाल हमारी कुक है, बस आप इसको थोड़ा सा मैश करेंगे तो ये अच्छी तरह हलीम की फॉर्म में आ जाएगी। दाल में मैं डाल रही हूँ टमाटर और अदरक ब्लेंड हुआ हुआ। मैं अदरक और टमाटर इसलिए एंड पर डालती हूँ क्योंकि इसको बाद में डालने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है दाल में। अब मैं दाल को अच्छी तरह से कुक कर लूँगी 5 से 10 मिनट। दाल थिक हो गई है हमारी, इसमें मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया का पाउडर और गरम मसाला और ये एक हरी मिर्च। दाल को मैंने 10 मिनट पकाया तो दाल हो गई है हमारी थिक और दाल हो गई है रेडी। दाल को मैंने डिश आउट कर लिया, इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया गरम मसाला। दाल के साथ मैंने बनाया चावल। दाल के साथ मैं वाइट राइस नहीं बनाती, इसमें मैंने डाली है चिकन क्यूब और लहसुन। तो अगर
दाल के साथ मैं सर्व कर रही हूँ चावल। चावलों में मैंने डाली है चिकन क्यूब और लहसुन। मैं वाइट राइस नहीं बनाती, इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप में से किसी को चाहिए तो। साथ में मैं सर्व करूँगी सैलड। सैलड में मैंने डाले हैं नमक, ब्लैक पेपर और ऑलिव ऑयल। जब भी आप सैलड बनाएं तो आप इसमें लाजमी 1-2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालें, क्योंकि ऑलिव ऑयल की वजह से सैलड का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है हमारा खाना रेडी। आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।